सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो इधर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ने भी जो है नए प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं, और हाल ही में जो है जियो फाइबर ने लॉन्च करे थे, और अभी इधर एयरटेल ने भी लॉन्च करे हैं नए प्लान, और ये भी जो है पूरे अनलिमिटेड रहेंगे। तो क्या है ये प्लान, तो चलिए मैं अपने लैपटॉप पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमको वेबसाइट खोलनी है, तो इधर डालते हैं एयरटेल ब्रॉडबैंड। तो इस प्रकार से ये देखिए एयरटेल ब्रॉडबैंड डाला, और ये देखिए ये आपकी वेबसाइट जो है इधर से क्लिक करोगे ओपन हो जाएगी। इधर पर आप देख सकते हैं जो भी प्लान्स वगैरह इधर पर आ गए हैं। तो इधर हम जियो की वेबसाइट भी खोल लेते हैं, जियो फाइबर की। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर कंपेयर भी कर लेंगे, तो आपको जो है एकदम सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जियो की वेबसाइट खोल ली, और इधर इधर से जो है प्लान्स पर जाएंगे हम। तो ये जो है आपके जियो फाइबर के प्लान्स ओपन हो गए हैं। तो इधर आप देखिए, अभी देखिए हाल ही में जो है जियो फाइबर ने भी लॉन्च किए थे और एयरटेल ने भी लॉन्च कर दिए, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन अब हमको देखने को मिलेगा। तो इधर देखिए सबसे पहले तो आप एरिया देखिए, ये डिफॉल्ट इंदौर बता रहा है। तो अब मैं अगर इधर चेंज सिटी करता हूँ, मान लीजिए दिल्ली करता हूँ, तो देखिए सभी जगह ऑल ओवर इंडिया में सेम प्लान कर दिए, ये देखिए आप ये देख सकते हो। अब इसके अलावा फिर से मैं चेंज करता हूँ, इधर से काम करता हूँ मैं मुंबई कर देता हूँ, तो मुंबई पर भी जाओगे तो देखिए सभी जगह जो है सेम प्लान है। तो इधर मैं भोपाल कर देता हूँ क्योंकि मैं भोपाल से हूँ, तो इधर डालता हूँ BHO, ये देखिए भोपाल आ गया। तो अभी देखिए आप ये ऑल ओवर इंडिया में लगभग लगभग सेम प्लान कर दिए हैं। अगर आपके एरिया में फाइबर जो है कनेक्शन अवेलेबल है एयरटेल का, तो आपको ये प्लान सभी मिलेंगे। तो ये देखिए अनलिमिटेड कर दिया है 499 में। इसमें आपको स्पीड मिलेगी 40 MBPS की, और प्रीमियम प्लान है इसमें आप देख सकते हो 799 वाला है ये, और ये 999 वाला है। तो सभी में देखिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड, और इधर भी अनलिमिटेड आप देख सकते हो। ये VIP वाला सबसे महंगा प्लान जो है 3999 का, जो कि 4000 रुपये का है। तो इधर कैपिंग है, कैपिंग मतलब 3.3 TB। आप ऐसा ना समझिए कि एकदम अनलिमिटेड है, मतलब एक महीने में 3.3 TB काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 3300 GB एक महीने में आपको ख़त्म करना है। और अगर आप एक महीने के पहले खत्म कर देते हो 3300 GB, तो उसके बाद स्पीड जो है आपकी 1 MBPS की हो जाएगी। तो एक महीने में मेरे ख्याल से तो अगर आप घर पर लगवाते हो तो इतना यूज शायद ही कर पाओ। तो इधर आप जियो का प्लान देख लीजिए, जियो में 399 है, लेकिन इधर 40 की जगह 30 MBPS स्पीड है, और इधर 100 रुपये ज़्यादा है, तो 10 MBPS की स्पीड भी ज़्यादा है। आप इधर देखिए ये 699 वाला है, तो इसमें 100 की जो है आपको स्पीड मिल रही है, तो इधर लेकिन आपको 799 में जो है 100 की स्पीड मिल रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप देखिए अनलिमिटेड हो गए हैं। तो इधर जियो में भी जो है आपका अनलिमिटेड नहीं है, मतलब 3.3 TB की जो है कैपिंग रहेगी 3300 GB की। तो एक महीने में काफ़ी होता है, इतना यूज़ कोई नहीं कर पाता है, और ये ज़रूरी भी है नहीं तो अननेसेसरी क्या है, मिसयूज़ होगा। मान लीजिए किसी ने कनेक्शन लगाया तो मोहल्ले में कनेक्शन वो शेयर कर देगा, तो ये ज़रूरी भी है। तो इधर मैंने आपको बता दिया है नए प्लान के बारे में। अब भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या हैं, तो देखिए जैसे हमारा एरिया है भोपाल, भोपाल में ऑफर चल रही है, अगर 3 महीने का आप लगवाते हो एयरटेल का कनेक्शन, तो 1000 रुपये इंस्टॉलेशन फ्री रहेगा, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कुछ भी नहीं है एयरटेल फाइबर में। जैसे कि आपको पता है जियो फाइबर में सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1500 का, 1500 का, और इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, इन पूरे प्लान्स के बारे में डिटेल आपको दे चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में मैं जो हूँ लिंक दे दूंगा, तो क्लिक करके ये जियो फाइबर की क्या ऑफर है इस बारे में पूरा बता चुका हूँ, वीडियो में बना चुका हूँ। तो इसमें एक अच्छी बात है एयरटेल में कि कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, और अगर आप ये वाला प्लान लेते हो 799 या 999 कोई भी प्लान लेते हो, और 3 महीने का इकट्ठा एक साथ पेमेंट कर देते हो, तो आपके वो 1000 रुपये भी बच जाएंगे इंस्टॉलेशन चार्ज। लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा 499 में। तो देखिए 1000 रुपये इंस्टॉलेशन हो गया, और 500 रुपये ये तो कितने हो गए 1500 रुपये, लेकिन 18% GST भी लगेगा, और वो GST जो है ये 499 में लगता है। और अगर आप ये वाला प्लान लेना चाहते हो तो मैं बोलना चाहूंगा आप 3 महीने का लीजिए, इसमें 1000 रुपये आपके बच जाते हैं। तो भाई कई जगह ये ऑफर नहीं होती है 3 महीने वाली, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारे एरिया में ऐसा नहीं है, तो वो आप पहले कंफर्म कर लें, कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर लें, और इधर से जाके बाय कर सकते हैं, कोई भी प्लान लेना है बाय करें, और अपना नाम और फ़ोन नंबर डालें, और आपको जो 24 घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा, नहीं आता तो फिर से बुक कर सकते हैं, या फिर 1-to-1 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी अच्छी बात हो गई कि भाई एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर ने भी जो है अनलिमिटेड प्लान जो है ओपनली आप देख सकते हो इधर पर, ओपनली इधर आ गए हैं अनलिमिटेड। तो अब होगा कॉम्पिटिशन अच्छा, और अच्छा खासा हमको देखने को मिलेगा जियो फाइबर में और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में। तो इधर मैं बताना चाहूंगा कि दोनों के अपने अपने फायदे हैं। देखिए इधर पर आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, लेकिन इधर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लग रहा है, तो ये फायदा मिलता है। तो
तो 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन इधर भी लगता है, लेकिन अभी जो जियो ऑफर दे रहा है तो 1 महीने के अंदर अगर आप कटवा देते हो तो 1,000 रुपये नहीं लगेगा, नहीं तो ये ऑफर के बाद मतलब 30 दिन के बाद आप कटवाओगे तो 1,000 रुपये इंस्टॉलेशन इसमें भी कट जाएगा, मतलब 1,500 की जगह आपको 500 रुपये वापस मिलेगा, और 2,500 रुपये वाला लेते हो जो कि सेट टॉप बॉक्स में मिलता है तो आपको 1,500 मिलेंगे। तो इस बारे में दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ फुल डिटेल में, तो इधर सबके अपने अपने फायदे हैं। तो इधर देखिए 100 रुपये ज्यादा है, 499 है, तो इधर आप देखिए 399 है, लेकिन इधर पर 10 Mbps की स्पीड भी ज्यादा है, 40 Mbps। और एयरटेल में सबसे अच्छी बात क्या है कि वो जितना बोलता है उससे ज्यादा देता है, तो इधर 40 बोल रहा है तो आपको 50 Mbps की स्पीड देगा, और इधर 799 में जो है आपको 100 बोल रहा है ना, तो कम से कम आपको 110 या 120 की स्पीड देगा। ये खास बात है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की, क्योंकि मैं खुद पर्सनल यूज कर रहा हूँ। तो इधर जो है मैं थोड़ा सा प्लान के बारे में बता देता हूँ। इधर मैक्सिमम आपका है VIP प्लान 3999 का है ना, तो इधर मैक्सिमम देखते हैं हम इधर कितना है मैक्सिमम, तो इधर आपका 8499 मतलब 8,500 तक का है, तो इधर तक तो सेम है, लेकिन ये एक अलग से जियो का महंगा वाला प्लान है जिसको हम टाइटेनियम कहते हैं। तो 1 Gbps 1 Gbps में भी मिल रहा है, लेकिन इसमें जैसे कि 3999 में कैपिंग है आपकी करीब मेरे ख्याल से 3.3 TB होगी, और इसमें जो है आपका 6.6 TB है, बस इतना सा डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, स्पीड दोनों में सेम मिलेगी। तो कैपिंग भाई सब में रहती है क्योंकि अननेसेसरी नहीं तो मिसयूज होगा जैसे कि मैंने बताया। तो इधर दोस्तों आप जो है काफी ज्यादा जो है हमको कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो इधर काफी सारे वीडियो बनाऊंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को लेकर भी मैं, और ये वाला जो प्लान है 40 Mbps वाला, तो इसका हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये जो है सबसे चीप प्लान है। तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, लेकिन इस टाइप से बहुत सारे वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर को लेकर भी और जियो फाइबर को लेकर भी, और हम स्पीड टेस्ट भी करके देखेंगे, और भी काफी जो है डिटेल्स मैं दूंगा, बहुत सारे वीडियो बाकी रह गए हैं बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर टेक।